हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टूडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन सम समैक्टिस एम सी क्यूज फॉर सेमेस्टर टू ऑफ द सब्जेक्ट कॉमर्स पेपर टू तो इफ यू आर इन एफ आई दिस सब्जेक्ट इज कॉमर्स पेपर टू फॉर ऑल ऑफ यू और उसमें हम uh, कुछ एम सी क्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जिसके बेसिस पे आपके पिछले चैप्टर्स का रिवीजन हो सके और ये एमसीक्यू से आपके जो भी कंसेप्ट है जिसमें आपको डाउट्स हो सकते हैं वो सारे एक एक करके क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं द सर्विस मार्केटर्स फेस द चैलेंजेस टू इनटैंजिबिलिटी टैंजिबिलिटी पेरिशेबिलिटी सर्विस एबिलिटी ठीक है जो सर्विस मार्केटर्स है उनको सबसे ज्यादा इनमें से कौन सी चैलेंज फेस करनी पड़ती है तो वो होती है इन टैंजिबिलिटी की बिकॉज जो भी सर्विस हम किसी सामने वाले बंदे को प्रोवाइड करने वाले है वो सर्विस को हम फील कर सकते हैं बिकॉज एक फीचर ही है इन टिजिबिलिटी का वो सर्विस हम फील कर सकते हैं सर्विस को हम देख नहीं सकते दैट इज वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज इन टिबिलिटी इफ द कैन बी सीन देन वी कैन से दैट इतनी अच्छी सर्विस हमें मिली ऐसी ऐसी सर्विस दिखती थी लेकिन ये पॉसिबल नहीं है दैट इज वाई इट इज इंटेंजिबिलिटी तो इन ट्चिबिलिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो सर्विस मार्केटर्स को फेस करना पड़ता है सेकेंड क्वेश्चन इज अ स्पेशल गिफ्ट गिवन टू अ कस्टमर इज अ डैश लेवल ऑफ सर्विस प्रोडक्ट देखो मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में जब बताया था तब मैंने बोला था कि प्रोडक्ट का डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होता है बेसिक प्रोडक्ट कोर प्रोडक्ट टेड प्रोडक्ट पोटेंशियल प्रोडक्ट ऐसे बहुत सारे लेवल्स होते हैं जब हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो सबसे पहले उसकी हम बेसिक प्रायोरिटी देखते हैं बेसिक हमारी प्रायोरिटी क्या है उसके बेसिस पे हम वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं अगर हम हमारे कस्टमर को एक स्पेशल गिफ्ट दे रहे हैं तो वो बेसिक और कोर में नहीं आएगा अगर हम हमारे कस्टमर्स को कुछ एडिशनल देते हैं प्रोडक्ट्स के साथ तो दैट इज कॉल्ड एज टेड प्रोडक्ट आर्ग्यूमेंटेड लेवल ऑफ सर्विसनल टू दी कस्टमर और उससे कस्टमर क्या हो जाएगा कस्टमर डिलाइट हो जाएगा कस्टमर हैप्पी फील करेगा और कस्टमर अगली बार हमारे पास फिर से आएगा तो ऐसा कोई अगर आप स्पेशल गिफ्ट देते हो कस्टमर को तो उसे कहा जाता है आर्ग्यूमेंटेड प्रोडक्ट नेक्स्ट इज सी टू सी स्टैंड फॉर तो हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि ई e कॉमर्स के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं बी टू बी बी टू सी बी टू जी तो सी टू सी का मतलब क्या है कोर्ट टू कंज्यूमर कंज्यूमर टू कंपनी कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कंपनी टू कोर्ट तो इसका राइट right आंसर है कंज्यूमर टू कंज्यूमर कंज्यूमर टू कंज्यूमर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है ओ एल एक्स ओएलएक्स और क्विकर जहाँ पे ए, एक बेचने वाला भी कंज्यूमर है और परचेस करने वाला भी कंज्यूमर ही है मतलब मैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हूँ अगर मेरा कुछ प्रोडक्ट मैं बेचना चाहता हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड का सहारा लेके ये प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूं दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सी टू सी कस्टमर टू कस्टमर बोल सकते हैं या कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी इसे हम कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर अ टीचर मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर ऑफलाइन ध्यान से बिकॉज अभी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन मोड पे आ रही है आप भी ये लेक्चर ऑनलाइन मोड पे ही देख रहे हो a teacher must be physically present at the time of delivering lecture offline it is a feature of dash in service so service mein ye kaun sa feature hai teacher present hogi to hi wo offline lecture de sakti hai to kya hum teacher ki service और जो teacher lecture provide कर रही है उसको separate कर सकते हैं आप कहेंगे नहीं तो इसीलिए इसका आंसर है इन सेपरेबिलिटी तो inseparability सेपरे इन सेपरेबिलिटी ये एक पॉइंट है जो आपको ये एग्जांपल से क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं डैश इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज फॉर लॉजिस्टिक्स इन इंडिया तो इनमें से कौन सा मेजर चैलेंज माना गया है जो लॉजिस्टिक्स है इंडिया का जो हम स्टोरिंग वगैरह करते हैं दैट इज द पॉइंट तो ऑप्शंस आर गवर्नमेंट पॉलिसी एग्रीकल्चर या ट्रांसपोर्टिंग तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है राइट आंसर right है दैट इज कॉल्ड एज वेयर हाउसिंग वेयर हाउसिंग मतलब गोडाउन में जो स्टोर करते हैं ये सबसे बड़ा चैलेंज है बिकॉज जितने भी आप प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करो जितने भी प्रोडक्ट्स आप बनाओ सबसे पहला प्रॉब्लम अराइज होता है वो प्रोडक्ट्स को हम स्टोर कहा करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अगर आप हाँ प्रोडक्शन करते रहेंगे तो फिर लॉस होने के भी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं इन दी वेयर हाउसेस बिकॉज वो वेयर वेयरहाउसेज में जब हम वो प्रोडक्ट्स को रखेंगे तो उसका भी हमें केयर लेना पड़ेगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स मैकडोनल्ड्स इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग मर्जर अमालगमेशन या एग्रीकल्चर तो मैकडोनल्ड्स क्या है मैकडोनल्ड्स एक फूड चेन है देखो इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंचाइसिंग कहते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रेंचाइजिंग मतलब अगर मुझे मैकडोनल्ड्स खोलना होगा तो मुझे मैकडोनल्ड्स को स्पेसिफिकली कुछ फ्रेंचाइजिंग के पैसे देने पड़ेंगे और वो फ्रेंचाइजी मेरे पास आएगी मैनेज सब कुछ मैं करूंगा लेकिन जितने भी एक्टिविटीज होगी जैसे उनके प्रोडक्ट्स होंगे सारे के सारे जैसे उनका लेआउट होगा वो सब कुछ कंपनी के तरफ से मुझे प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बदले में मुझे कंपनी को क्या प्रोवाइड करना है फ्रेंचाइजी की फ्री फीस देनी है और एक रॉयल्टी भी देनी पड़ती है तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर सिक्स मैकडोनल्ड इज एन एक्साम्पल ऑफ फ्रेंचाइजिंग नेक्स्ट इज ई कॉमर्स डैश द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस ई कॉमर्स क्या करता है रिड्यूस करता है इंक्रीज करता है डज नॉट इम्पैक्ट या कांट बी डिटरमाइंड तो देखो सिंपल चीज़ है ई e कॉमर्स की वजह से जो बड़े बड़े ऑफिसज़ खोलने पड़ते थे वहाँ पे बहुत सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका होता था वो सारी चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो अभी क्या हो सकता है कम हो सकता है बिकॉज हमें सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए अगर लैपटॉप और इंटरनेट की फैसिलिटी होगी तो बड़े ऑफिसेस खोलने की कोई जरूरत नहीं है और उसके ऊपर रेंट पेमेंट करने की भी हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी दैट इज वाई कॉमर्स इज वॉट ई कॉमर्स इज रेड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस तो ई कॉमर्स इज रेड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट डैश कैन बी यूज टू मेक कैश विड्रॉल्स एंड पेमेंट्स तो इनमें से कौन सा हम विड्रॉ करने के लिए कैश विड्रॉल्स करने के लिए यूज करते हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस का चैप्टर है सिंपल सिंपल चीजें हैं आप अगर इसके ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन के बिना भी, भी आप इसको आंसर कर सकते हैं पासबुक एटीएम पैन कार्ड आधार कार्ड तो किससे आप कैश को विड्रॉ कर सकते हो ऑब्वियसली डेबिट कार्ड से और डेबिट कार्ड को हम ए कार्ड भी बोलते हैं तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर नाइन आ, ये स्टेजेस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है डैश इज द फर्स्ट स्टेज इन सर्विस डेवलपमेंट साइकिल तो सर्विस डेवलपमेंट साइकिल में सबसे पहला स्टेज या फर्स्ट स्टेज कौन सा होता है आइडिया स्क्रीनिंग आइडिया जनरेशन कंसेप्ट टेस्टिंग या रिव्यू ध्यान रखना रिव्यू जो होता है रिव्यू या फीडबैक ये सबसे लास्ट स्टेप होता है रिव्यू और फीडबैक क्या होता है सबसे लास्ट स्टेप होता है तो आइडिया स्क्रीनिंग आइडिया जनरेशन कंसेप्ट टेस्टिंग या रिव्यू रिव्यू तो लास्ट स्टेप हो गया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से ऑप्शन है तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका राइट right आंसर है आइडिया जनरेशन जब तक आप आइडिया जनरेट नहीं करोगे तब तक आप स्क्रीनिंग कैसे करोगे स्क्रीनिंग मतलब जो आइडियाज आपने लाए हैं उसमें से सबसे बेस्ट आइडिया को ढूंढना दैट इज कॉल्ड आइडिया स्क्रीनिंग क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं डैश इज अ बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट अ कंपनी कैन यूज टू कलेक्ट स्टोर मैनेज एंड इंटरप्रिट डेटा पीपीओ दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के पी ओ दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग एल पी ओ दैट इज लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड ई आर पी दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग तो इसका राइट right आंसर है ई आर पी क्या है ERP एक सॉफ्टवेयर है बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट अ कंपनी कैन यूज टू कलेक्ट स्टोर मैनेज एंड इंटरप्रिट द डेटा तो ईआरपी के बेसिस पे हम कंपनी जो रहेगा वो सॉफ्टवेयर के बेसिस पे डेटा uh, को कलेक्ट कर सकता है स्टोर कर सकता है मैनेज कर सकता है इंटरप्रिट कर सकता है एनालाइज कर सकता है ये सारी चीज़ें हमें बेनिफिट मिलती है बाय यूजिंग द ई सॉफ्टवेयर। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस स्टूडे सेशन तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले टेलीग्राम पे चैनल है लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम उसको ज्वाइन कर ले आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस एज वेल well एज़ जो पीडीएफ्स होंगे लास्ट मिनट रिवीजन रिलेटेड पीडीएफ सब कुछ वहां पे मैं शेयर करते रहता हूँ सो ज्वाइन कर ले लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वहां से आप ज्वाइंट कर सकते हो और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले जो वीडियोज़ आएंगे उसके नोटिफिकेशन विल गेट टाइम टू टाइम थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन एज ऑलवेज़ वर्क हार्डर बी स्मार्टर